जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि गैस पोस्टिंग और बाफा में से सबसे ज्यादा किसका ब्राइट फ्यूचर है। और आज हम इस डीपनी एनालिसिस में जानने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरफ जाना है और जो लोग गैस पोस्टिंग कर चुके हैं तो उनको इस टाइम किस तरफ जाना चाहिए और जो लोग अभी जिन्होंने बाफा वन किया है तो उनको नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम गैस पोस्टिंग की जानिब कि गैस पोस्टिंग में जो लोग कर रहे हैं, सबसे पहली बात, क्या उन लोगों ने पैसे बनाए हैं या नहीं। तो सबसे पहला दो सवाल पैदा होते हैं, एक बंदों ने बनाए हैं और एक बंदों ने नहीं बनाए। तो जिन बंदों ने सबसे पहली बात पैसे नहीं कमाए तो मेरी उनके लिए यही सजेशन है कि सबसे पहले वो पैसे कमाएं। कहाँ से? गैस पोस्टिंग और कॉन्टेंट राइटिंग से। जब तक वो गैस पोस्टिंग या कॉन्टेंट राइटिंग को अच्छे से डिस्क्राइब ना कर लें, अच्छे से पैसे ना बनाएं, तब तक इस फील्ड में ना आए। अब ये नहीं है कि हम गैस पोस्टिंग को ये कहें कि इसका फ्यूचर नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बाफा भी नहीं किया, जिन लोगों ने एसईओ भी नहीं की, जिनकी कोई अपनी पर्सनल वेबसाइट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। वो अपने कैरियर में अच्छा जा रहे हैं, मतलब पर मंथ 5 लाख 7 लाख 10 लाख घर बैठे कर रहे हैं। और वो जो है एफएससी के स्टूडेंट है, कुछ माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी पास आउट हो चुके हैं और कुछ माशाल्लाह से मैट्रिक करके इस फील्ड में आए हुए हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल है, स्क्रीन पे आपको शो भी हो रही होंगी, जिन लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग से शुरुआत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे फ्यूचर के साथ एक अच्छे कैरियर में अपने आप को आगे परस्यू कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि फ्रीलांसिंग का या गेस्ट पोस्टिंग का वो फ्यूचर नहीं है, इसका फ्यूचर भी उतना ही ब्राइट है। अगर आप काम कर लें, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर लें, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, आप फाइबर पे अपने आप को रैंक कर लें, तो तब भी बहुत जबरदस्त फ्यूचर है। अब हम दूसरी जानिब चलते हैं, हम इन गैस पोस्टिंग वालों को छोड़ नहीं रहे, अब हम चलते हैं बाफा की तरफ, एसईओ की तरफ। अब एसईओ क्या है, इसमें तो प्रॉपरली अगर हम देखें, जो हम गैस पोस्टिंग में क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं, इधर पोस्ट लगा रहे हैं, उधर पोस्ट लगा रहे हैं, अगर हम एसईओ कर लेते हैं, एक अपना बाफा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, अपनी एक वेबसाइट खड़ी कर लेते हैं, तो इस क्लाइंट वाले चक्कर से हम आजाद हो गए। इसका फ्यूचर अगर ब्राइट है, अगर पैसिव इनकम है, यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, उसके बाद इस तरह के कई बिजनेसेस आप खड़े कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उसको रैंक करेंगे, उसे फ्लिप कर सकते हैं, एडसन से पैसे ले सकते हैं, आप उसके बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो आपको यहाँ 3-4 रस्तों से पैसे बनाए जा सकते हैं, इजीली पैसे बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अगर मैं बाफा के ब्राइट फ्यूचर की ज्यादा बात करूं, ये नहीं कि मैं गेस्ट पोस्टिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, उसका बुरा कह रहा हूं या उसकी तरफ मेरी वोटिंग कम है। हाँ, अगर आप बाफा की बात करें, उसमें पोटेंशियल ज्यादा है, उसमें आप वेबसाइट बनाएंगे, उसमें 4 रस्ते हैं और ये खप शप नहीं है किसकी, क्लाइंट की। आप अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, आप उसे सेल करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, वो लोग जो गैस पोस्टिंग कर रहे हैं, कल कला को उनको भी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, कल कला को उनको भी जो है वेबसाइट डिजाइन करके रैंक करनी पड़ेगी और इस एसईओ में ऐड होना पड़ेगा। तो खुद सोचें आप, अब अपने अंदाजे में आप खुद इस चीज का फैसला करें। अब आप वो व्यूवर हैं जो स्टार्टअप वाले हैं, आप लर्निंग वाले हैं, आप अर्निंग वाले हैं, आप गैस पोस्टिंग वाले हैं, आप कॉन्टेंट राइटिंग वाले हैं, आप बाफा वाले, ये अब आप डिसाइड करें आपके लिए क्या है। लेकिन अगर हम ब्राइट फ्यूचर की बात करें, एसईओ में भी वही है, मेहनत इधर भी है, लेकिन इधर में आपको एक हाई पोटेंशियल आ जाएगा, एक अच्छी इनकम आ जाएगी और इसी बिजनेस को आप डिफरेंट शक्लों में मजीद अपनी टीम को इनहेंस कर लें, आप अपनी स्किल्स को मजीद पॉलिश कर लें, अपनी टीम को बढ़ा लें, तो पैसे ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरीके से गैस पोस्टिंग में भी अगर आप अपनी टीम को बढ़ा लें, अपनी पहले पैसे में इनकम ज्यादा कर लें, उसके बाद अपनी टीम को बढ़ाएं, तो डेफिनेटली पैसे बढ़ सकते हैं। हमारे बहुत से लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं वेबसाइट बनाने में, उसको रैंक करने में, मैं भी था, मैं भी कर रहा हूँ, यहाँ स्टूडियो में भी साइट रैंक हो रही है और इसके अलावा एक और ऑफिस है, वहां भी वेबसाइट का काम हो रहा है, तो डेफिनेटली आगे इसका फ्यूचर है, इसीलिए लगे हुए। ये नहीं कि हम गैस पोस्टिंग को भूल गए, गैस पोस्टिंग भी चल रही है, साथ एसईओ भी चल रही है। अब आपने ये डिसाइड करना है, फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ऑप्शन दोनों ही सूटेबल हैं, ऑप्शन दोनों ही बेस्ट हैं। तो अब आपने कमेंट सेक्शन में नीचे अपनी राय देनी है कि आपको कौन सा इसमें से ज्यादा पोटेंशियल वाला लगा है। कि हम जूम वालों को, फिजिकल वालों को भी टारगेट कर देंगे, साथ गैस पोस्टिंग वालों को भी टारगेट कर देंगे, तो कंपैरिजन इंशाल्लाह हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।